श्रद्धा के जो पिता है उनके साथ है और लगातार इंडिया टुडे की मुहिम भी चल रही होगी। विकास जी, वो आप देख भी रहे होंगे कि हम लगातार इस खबर को चला रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपने सवाल उठाया कि मुंबई पुलिस ने काफी लेट लतीफी की, जब मुंबई पुलिस आफ्ताब को बुलाकर लाई थी, जब आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो पुलिस स्टेशन में जब आफ्ताब पहुंचा था तो क्या उस वक्त आप भी मौजूद थे जब आफ्ताब बैठा था, और आफ्ताब क्या कह रहा था मुंबई पुलिस को? मुंबई पुलिस को तो वही कह रहा था कि वो हम लोग का ब्रेकअप हुआ है और वो कहीं छोड़ के चली गई है, मुझे भी वही बताया गया था। तब जब मैंने उनको मुंबई पुलिस को भी कहा कि इसने कुछ जी, मुझे तो पक्का डाउट लग रहा था कि इसी ने कुछ गलत काम किया है, ये मैंने मुंबई पुलिस को भी बताया था। आपने ये बताया था कि कुछ ये गलत कर सकता है? जी, मैंने ये पहले भी मुंबई पुलिस को भी बताया था और दिल्ली पुलिस को भी, जब मैं दिल्ली गया तब भी मैंने वही बताया उनको कि इसने कुछ गलत काम किए हैं। तो सर, आपको ये क्यों लगा कि उसने गलत काम कर दिया श्रद्धा के साथ, ही आपको अंदेशा कैसे हुआ? मैं जब उससे पहली बार शायद 26 सितंबर को मैं उससे मिला ये कंप्लेंट करने से पहले, तब उससे मैंने पूछा था कि श्रद्धा, मेरी श्रद्धा कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं रहती है। तो मैंने पूछा, फिर तुम्हारे साथ तो 2.5-3 साल से रह रही है तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो बोला कि नहीं, वो चली गई, मेरे को मालूम नहीं है, हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सब बातें बतानी कि हमको या किसी हमारे रिलेटिव को, तो वो क्यों नहीं बताई? तो वो ऐसे बातें करने लगे, मैं कैसे बताऊं, आपका हमारा क्या कांटेक्ट नहीं है, कैसे बता सकता? मैंने बोला, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी ऐसे बात कर सकते हो, तुमने कुछ गलत किया होगा शायद, इसीलिए मुझे ऐसा डाउट लगा कि ये इसने कुछ गलत काम किया है। तो मुंबई पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन में भी वो यही आपके सामने बता रहा था कि वो कहीं चली गई है? वो वैसे ही बताता था, वो यहाँ पे शायद 1-1.5 महीने तक वैसे ही बता रहा था कि ये मेरे को छोड़ के चली गई है, ऐसे ही बताता। उसने कभी यहाँ पे कन्फेस नहीं किया कि मैंने ऐसा काम किया है करके। अब आपसे विकास जी, मेरा अगला सवाल है कि ये फिर कैसे ये पता चल पाया? क्या आपने मुंबई पुलिस स्टेशन में गए तो आप आगे फिर कहाँ चले गए जहाँ से ये केस क्रैक हुआ, ये पता चला कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का मर्डर कर दिया? ये कैसे पूरा सीक्वेंस हुआ? पुलिस को क्या, आपको दिल्ली पुलिस ही आपको ये सब कुछ बता रही थी कैसे क्रैक हुआ, श्रद्धा का मर्डर कर दिया, ये आपको कैसे जानकारी मिली? ये जब मुंबई पुलिस मुझे बताया कि ये अभी शायद हम लोग दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये केस को, तो आपको शायद दिल्ली जाना पड़ेगा, तो फिर दो तीन दिन के बाद वो दिल्ली चले गए और वहाँ पे दिल्ली पुलिस से बात करके वहाँ पे आफ्ताब से मिले, और फिर दो दिन में उसने कन्फेस कर दिया कि मैंने ये कांड किया है करके। तो क्या आफ्ताब से जब ये कन्फेस किया, कबूल किया आफ्ताब ने कि उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है, तो क्या आपके सामने आफ्ताब ने बात बोली, क्या आफ्ताब से आपका सामना आमना कराया दिल्ली पुलिस ने? जी हाँ जी, मुझे 11 नवंबर को उन्होंने आफ्ताब को सामने खड़ा किया और उसे कहने के लिए कहा कि बोलिए क्या किया है श्रद्धा के साथ। तो उसने सीधा बोल दिया कि श्रद्धा इज़ नो मोर। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये सुन के कि ये ऐसा कैसे बात कर सकता है, पिछले 1-1.5 महीने से यही बता रहा था कि श्रद्धा हमारा ब्रेकअप होके वो कहीं चली गई है, और ऐसे मेरे सामने खड़ा किया तो सामने ऐसे कन्फ्यूज़ कर रहा है कि श्रद्धा इज़ नो मोर, तो मैं तो हैरान हो गया।
तो उसके बाद फिर क्या बताया आप? सिक्वेंस वो बताया होगा ना आपके सामने कि किस, आपने पूछा भी होगा उससे कि कैसे मारा, क्या किया, या आपने पूछने की कोशिश की उससे, बातचीत की उस दौरान? जी हाँ, मैंने तो उस टाइम पे तो मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको पूछने की क्या कैसे किया करके। तो उसके बाद में मुझे कुछ देर बाद मुझे फिर से सामने खड़ा करके फिर उसको बोलने के लिए कहा कि क्या किया है करके। तभी उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने इसका कत्ल किया है घर पे और हमारा झगड़ा हुआ था, ये सब बातें बताई उसने। आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या उसने बताया? क्योंकि ये काफ़ी अहम केस है और आपका बयान भी कोर्ट में वो होगा और ये काफ़ी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या आफ्ताब ने बोला था पुलिस स्टेशन में आपके सामने, अगर आप एक्सप्लेन कर? मैं तो एक्चुअली क्या है, मैं उस कंडीशन में नहीं था कि ये सब सुन पाऊँ। वो जो एक्सप्लेन कर रहा था, जो ऐसे उसका मर्डर किया, उसको फ्रिज में रख दिया काट के, तो मुझे ये सब सुनने की आदत ही नहीं थी, तो मैं फिर कुछ सुन ही नहीं पाया मैं आगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि जो आफ्ताब के पिता माता हैं उनकी भी जांच की जाए, तो आपको क्यों लगता है कि उनकी जांच की जाए? बस ये आखिरी सवाल। जी, मैं एक बार उनके माताजी से भी मिला था जब मिसिंग कंप्लेंट करने के पहले, तो उन्होंने बताया कि श्रद्धा तो आई थी मेरे पास, तो मुझे थोड़ा शक हो गया कि अगर वो दिल्ली गई है तो यहाँ आके फिर मुझे क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ आई थी। तो वो लोग फिर उसका लड़का भी आफ्ताब बोलने लगा कि नहीं, वो यहाँ पर आई नहीं। तो उनका जो कम्युनिकेशन गैप है, उसके वजह से मुझे लगा कि ये लोग भी शायद इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लगातार हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंडिया टुडे शुरू से इस केस को फॉलो कर रहा है और आखिर तक हम फॉलो करेंगे। और जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है वो ये भी बताते हैं कि जो आपका DNA लिया गया था एम्स में, उसका रिजल्ट भी 1-2 दिन के अंदर आएगा, जिससे ये काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। विकास जी, थैंक यू।